हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज जो अपडेट लेके आया था वो निफ्टी बैंक पे लेके आया था। निफ्टी बैंक में जो आज देखेंगे, आज निफ्टी बैंक जो हुआ ओपन हुआ 29,769 पे। हाई लगा था 29,885 का, लो लगा था 29,633 का, और 832 के जो हाई लगा था लगभग वहीं पे क्लोजिंग भी देता है। पूरा दिन भर ये एक साइलेंट पोजिशन पे चलता है। आज 20 मार्च 2019 है और कल होली है। होली की शुभकामना सब आप लोग सबों को। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो जहाँ पे ये हाई लगाता है वहीं पे स्टे भी करता है लगभग, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं जाता और लास्ट मोमेंट पे हाई लगाता है। अभी भी देखेंगे तो आप 6 बैंक जो इसके जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये अपने लगभग 52 वीक हाई पे है, चल रहा है। और जिसमें अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना बाकी है उसमें से PNB, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसलैंड बैंक और फेडरल बैंक, ये 4 बैंक है जहाँ पे लगभग कुछ सब नीरेस्ट पहुँच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। और ये 4 बैंक है जहां अभी फर्दर गेन दिखाना बाकी है जो परफॉर्म कर सकता है। और नीरव मोदी जैसे अरेस्ट हुए तो हो सकता है कि आप PNB और येस बैंक को लेके ऊपर की ओर जाया जा सकता है, क्योंकि अपने येस बैंक भी अपने रेसिस्टेंट 251 को क्रॉस करके खड़ा है। फेडरल बैंक भी एक अच्छे पोजिशन पे खड़ा है, ये भी 105 की ओर जा सकता है। 95 अगर ये क्रॉस करता है तो ये भी 105 तक जा सकता है। आज की पोजीशन में एडवांस छे थे, डिक्लाइन छे थे, न्यूट्रल थे, दोनों बराबर बराबर थे। तो आज चूंकि एक्सपायरी थी और कल मार्केट बंद है, फ्राइडे को वापस खुलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे 22 को खुलेगा, 21 को बंद है। इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा कुछ पोजीशन आपको देखते हुए नहीं बढ़ी, 0.22 के आप साइड से ये क्लोज हुआ। तो आज स्पेशल क्या था, क्या हम लेके आए थे? तो पहले तो आपको एक वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट इसका जरूरी था, जो जानना आपको जरूरी है, वो 28,590 पे है। आज 29,832 पे क्लोजिंग दिया है। अभी भी इसमें बुलिश ट्रेंड है, हो सकता है कि मार्च की क्लोजिंग आपको बुलिश ट्रेंड में ही हो और 30,200 तक जाते हुए आपको दिखे। मेन सपोर्ट जो है उसका है, वो है 3,00064 है, और यहां से अगर क्रॉस करता है तो 30,250 तक जा सकता है। लेकिन जो इसका 0.414 रिट्रेसमेंट है वो कितना है, 3,00064.93। तो ऑलरेडी ये 29,1.27 के रिट्रेसमेंट को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्रॉस कर चुका है 29,482, और ये बढ़ रहा है 3,00064 की ओर। और अगर ये क्रॉस करता है, 30,250 क्रॉस करता है, तो 30,901 की ओर भी जाते हुए आपको दिखेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, बैंक निफ्टी 31,500 तक जा सकता है। अभी क्या होगा रिसेंटली, क्या इस महीने की क्लोजिंग तक क्या देखने को मिल सकती है? इस महीने की क्लोजिंग तक हो सकता है कि आपको आपको 30,00064 तक जाते हुए आपको यहाँ पे 30,130-200 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। वो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1.41% है, जो इस चार्ट पे यहाँ पे शो किया हुआ है। ऑलरेडी आप देखेंगे ये 1.272 को क्रॉस करके 1.414 के दायरे में जा चुका है। और अगर मैं इसके 20 तारीख के 28 मार्च की एक्सपायरी की अगर देखूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉल में एट द मनी 29,832 है। तो एट द मनी पे जाके देखो, 29,800 पे जाके देखो, तो यहाँ पे देखेंगे 30,000 पे 4,25,360 का ओपन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पे एक रेसिस्टेंस जिसको देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे भी आपको फिनिशियल इंटरेस्ट में 30,041.64, 3,00064 यही एक लेवल है जहाँ पे वहाँ पे भी आपको पोजीशन एक दिखता है कि वहां पे क्रॉस करना थोड़ा टफ है। और अगर वो उसको क्रॉस करता है तो फिर आप देखेंगे 4 लाख के बाद सीधा आपको 6,20,000 का 30,500 के आसपास है, और 30,300 के पास है 2,20,000। तो वहां से ये फिर क्रॉस करते हुए आपको 30,500 की ओर जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इस महीने की क्लोजिंग आपको 30,200 के अराउंड होना चाहिए, इस महीने की जो क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि बाइंग मोड ही रहेगा। आप इसको पुट अभी मत लीजिए क्योंकि ये बाइंग मोड में जाएगा, और फाइनेंशियल जो भी अभी अभी तक तो DI बेच रहे थे, अभी हो सकता है कि DI भी नेक्स्ट वीक से आपको बाइंग मोड में चले जाए, क्योंकि उनको भी तो अपने फाइनेंशियल की क्लोजिंग दिखानी है। तो FI तो बाइंग आ ही रहते, DI भी बाइंग आ सकते हैं, और अगर दोनों साथ में आए तो 30,500 तक तो क्लोजिंग, 30,900 जो 1.6 आपका जो रिट्रेसमेंट है 30,900 एक वहाँ तक भी जा सकते हैं। मैंने किसी भी हालत में आपको बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू रखनी है, और पॉजिटिव व्यू के साथ आपको अप ट्रेंड में यहाँ पे जाना है। तो अगर हम एट द मनी
देखिए 29,900 पे, तो क्या 29,800 पे, तो यहाँ पे 61,000 का एडिशन हो रहा है, टोटल क्यूमुलेटिव 1,16,000 हो रहा है। और एक्सपायरी के चक्कर में हो सकता है कि यहाँ पे आपको पैसे में शॉर्ट करते हुए दिख रहा है या पोजीशन अनवाइंड करते हुए लोग दिख रहे हैं। पोजीशन अनवाइंड नहीं करें, आपको प्राइस एक्शन डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं प्राइस डिक्रीज आपको दिख रहा है पुट की ओर। मतलब ये क्लियर है यहाँ पे बाइंग है, हो सकता है टाइम डिके हो या प्रॉफिट बुकिंग हो कॉल की ओर। बट इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ से तो एक वॉल्यूम, यहाँ 61,000 की शॉर्ट पोजीशन दिख रही है या बाइंग पोजीशन दिख रही है या सेल पोजीशन दिख रही है, हो सकता है यहाँ पे पोजीशन सेल करके भी निकल रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे 29,800 पे तो 1,49,000 के साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है, प्राइस एक्शन में 120 रुपये का डिक्रीज हुआ है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये का डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने को समझ में आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे अभी भी 30,000 पे भी शॉर्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट 30,500 तक शॉर्ट किया जा रहा है, और अच्छे खासे प्राइस सेक्शन के साथ पुट में शॉर्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 30,500 तक की ऊपर लोग तेजी को देख सकते हैं। और यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट देखें तो आज ही 2,30,000 का 30,500 पे एडिशन हुआ है, और क्यूमुलेटिव 6,20,000 का। तो बैंक निफ्टी कमिंग डेज में आपको 30,500 की ओर जाते हुए दिख सकता है। पुट में पोजिशन नहीं बनाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्सपायरी होते हुए भी आज भी जब मार्केट दो बंद रहेगा उसके बावजूद जो भी क्लोजिंग दे रहा है वो ऊपर की ओर दे रहा है। फ्राइडे को भी जो क्लोजिंग दी है वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन क्लोजिंग टाइम में वो ऊपर चला जा रहा है। इस स्ट्रांग बाइंग इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बताता है, पहला लेवल है 3,0064 जो ये टेस्ट कर सकता है, मतलब 30,100 यहाँ से। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसको 30,500 तक जा सकता है और ऊपर की ओर जा सकता है, तो वापस आपको 31,500 तो जाना ही है इसको, लेकिन अभी नहीं जाना है। लेकिन ये मुझे जो समझ में आ रहा है ये एक बार 30,900 को टच करके अपनी हाई को बना करके रुकेगा, रुकना चाहिए इसको। इस बार इसको अपनी हाई 30,900 की बना लेनी चाहिए। तो देखिए कहाँ तक जाता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, ये मेरा व्यू था, मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जिस लेवल को ये क्रॉस कर रहा है, ऑलरेडी ये 29,482 को क्रॉस कर चुका है, और 29,482 मतलब 29,500 ही यहाँ पे भी देखेंगे, जब यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज देख रहा था तो 29,500 के आसपास आ रहा था, 29,596.80 आ रहा था। इस लेवल को भी देख लीजिए, या आप रिट्रेसमेंट लेवल को 29,482 देख लीजिए, यही आपका सपोर्ट लेवल होगा, स्टॉप लॉस लेवल होगा। 29,482 अगर आपको टूटते हुए दिखता है 29,500, तो ये फिर वहाँ से वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। जब तक 29,500 पे है आपको कोई इशू नहीं है, मुझे लगता है ये ऊपर 30,200-30,500 तक जाने का दम रखता है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है था, आप किसी को पेपर ट्रेड करना तो पेपर ट्रेड करें, सीखे, और अगर मार्केट में पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही पोजीशन बनाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।